जलालाबाद की नाज मंडी पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक। इस मौके उन्होंने नाल जिला प्रशासन की पूरी टीम तो इलावा मंडी बोर्ड के सैकटरी भी हाजिर रहे। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने मीडिया नाल गलबात दौरान पराली के मुद्दे पर दिता वड्डा बयान। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों इस बार पराली ना साड़न की किसानों को अपील की गई थी, जिसका असर हुंदा होया दिखाई दे रहा। इस तों इलावा कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार दे वल्लों इस बार झोने की पराली नूं अग लाए जाते किसानों के उपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दे वल्लों किसानों के खेतों नूं लाल लकीर अते पुलिस को FIR नहीं करवाई जाएगी। उन्होंने किस तरीके की कार्रवाई है तो तुम पराली ना साड़न के वास्ते किस तरीके से प्रबंध करो? पहली गल तो यह कि पंजाब के अंदर पराली साड़न लैके मानयोग मुख्यमंत्री जी ने बहुत हंबल रिक्वेस्ट की, अपील की पंजाब के किसानों ने। सो खुशी इस गल की भी इस बार पंजाब के किसानों ने सरकार की इस पहल में एप्रीशिएट भी किया और बड़ी मात्रा के एरकों पराली जी खेतों के अंदर रूटीन की तरह नहीं साड़ी जा रही। तुम वह रिफ्लैक्शन भी देखा, 5-7 दिन पहलों जोड़ा पोल्यूशन का पंजाब के अंदर स्टैंडर्ड आया वो काफ़ी पिछले साल ना डोन है। सो इस करके साड़ी रिक्वेस्ट है पंजाब के किसानों भी पराली ना जलाई जाए और जोड़े इंस्ट्रूमेंट पंजाब की सरकार ने 125,000 मशीन पराली के गोल करने लिए भेजी है वह इस्तेमाल करके पराली में जोड़ा आ साड़न तो बचाया जाए। मैं समझता पंजाब के वातावरण को शुद्ध करने के जोड़ा बहुत वड्डी उन्हां दा देन भी होगी और सानू सबनों रल के पंजाब का वातावरण शुद्ध करने के लिए हंबल मारना चाहिए और खास करके पराली को ना जला, ये साड़ी हमल रिक्वेस्ट है। ये बावजूद भी किसी भी किसान की कोई रेड एंट्री नहीं होगी, कोई परचा नहीं होगा, असं बेनती कर रहे हैं और सारी बेनती जो बोर भी पै रहे हैं पंजाब के अंदर।